एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ नंबर 4। अंक 4 वो वाले जिनका होता है उनका जन्म 13 तारीख को, 22 तारीख को, 31 तारीख को या 4 तारीख को होता है, उनका अंक 4 होता है। पूरा साल आपका कैसे बीतने वाला है, आपका प्यार, पैसा, परिवार और प्रोफेशन, उसके साथ आपकी हेल्थ, ये सब चीज़ों को मैंने क्लब किया है अपने इस वीडियो में। पूरे साल का मैं आपको बताऊंगी और कुछ रेमेडीज़ भी दूंगी अंक 4 वालों के लिए। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सब जगह मेरा एक ही नाम है, रजनी कटारिया अ फॉर्चुनर। तो लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो। सबसे पहले अंक 4 वालों का देखते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो देखते हैं लव लाइफ कैसी है अंक 4 वालों की पूरे साल के लिए। दोस्तों, इतना पॉजिटिव कार्ड आया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और बाहर सेटल्ड होना चाहते हैं, यानी कि आपका प्यार, अपने प्यार के साथ नया रिश्ता बन सकता है, नया कोई जो रिश्ता पहले से है वो बहुत अच्छे से प्रगाढ़ होगा, उनमें मजबूती आएगी, नए रिलेशन बना सकते हैं, शादी करने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा साल रहेगा। नया इशू, अगर आप लगता है कि आप मुझे इस साल अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहिए, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। विदेश की मैं बात कर रही थी, विदेश यात्रा का भी योग है। और आप ऐसी कुछ चीज़ें जो आप चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, आपका प्यार जो आपकी ज़िंदगी में आपको ड्रीम लगता था कि हाँ ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में आए और ये मेरे लिए एज ए लव, यानी कि एज ए चाहत, एज ए पैशन मेरी ज़िंदगी में हो, वो चीज़ें पूरी होने का ये साल है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। और मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा गुड लक है। आपको अगर लगता है कि मैं नया मकान बनाना चाहता हूँ या नई गाड़ी लेना चाहता हूँ या नया ऐसा कोई काम करना चाहता हूँ जो कि काफ़ी समय से मैंने रोका हुआ था, ये साल आपके लिए उन सब चाहतों को, उन सब प्यार को, उस सब इच्छाओं को पूरा करने का है। तो मेरी तरफ से बिल्कुल आपके लिए ओके है, हर चीज़ के लिए हाँ है, वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड फॉर यू। अब बात कर लेते हैं आपके परिवार की, कैसा रहेगा, रहेगा आपका परिवार का इस साल। कार्ड निकालते हैं परिवार के लिए। समय बदल रहा है, यानी कि परिवार की सिचुएशन जो भी है, आज तक जो परिवार था, साथ में थी फैमिली, उसमें चेंजेस आने वाले हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव हम देख लेते हैं कैसे चेंजेस आएंगे। आपका थोड़ा सा मन विचलित हो सकता है परिवार को लेकर के, कुछ इरिटेशन स्टार्ट हो सकते हैं इमोशनल लेवल पर जाकर के, उसे कंट्रोल कीजिए। बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, गुरु का आपके ऊपर बहुत प्रभाव रहेगा, गुरु महाराज का, बृहस्पति देव का। और अच्छी अच्छी चीज़ें, स्पेशली जुलाई और अगस्त में काफ़ी बड़ा चेंज हो सकता है। आप अपनी फैमिली को बढ़ा सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, शादी का योग है, नए इशू का योग है, यानी अगर फैमिली बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग है। उसके साथ साथ आपकी फैमिली में कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोगों को आप अपनी फैमिली को बड़ा करेंगे, विशाल करेंगे। पॉजिटिव कार्ड आया है दोस्तों, और बहुत अच्छा कार्ड आया है, तो अपनी फैमिली के लिए भी आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं इस पूरे साल के लिए, मेरी तरफ से गुड लक है। अब मैं बात करती हूँ आपके मनी की, पैसे की। मनी वाइज कैसा रहने वाला है, मनी वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, पुरानी जो चीज़ें हैं उनको लेकर के आप चल रहे हैं, यानी कि लास्ट ईयर जो भी आपके साथ मनी प्रॉब्लम्स रही है वो इस साल भी कंटिन्यू रहने वाली है। लेकिन उसको अपन दूर करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, मूव ऑन बहुत जल्दी ना करें, डिसीजन बहुत जल्दी ना लें, और ऐसी कोई चीज़, यानी अगर आप जॉब में हैं तो उसको बहुत जल्दी चेंज ना करें, उधार ना दें, किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए पैसा को यूज़ ना करें, रिनोवेशन ना करें अपने मकान का, मिसयूज़ ना करें पैसे का, तो पैसा बचा रहेगा। मनी का आपका एक कार्ड आया है। अब मैं बात करती हूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, प्रोफेशनल लाइफ में भी अपनी जगह बनाएंगे एक स्थान पर। मनी और प्रोफेशन में इसलिए फ़र्क पड़ता है दोस्तों, यानी मनी का कार्ड इतना अच्छा नहीं आया लेकिन प्रोफेशन का बहुत अच्छा आया है। उसका कारण ये है कि मनी कई बार हमारा डूब जाता है, हम किसको उधार दे देते हैं, या जो पहले हमें लगता है कि पैसा आ जाएगा वो वहाँ से नहीं आ पाता है, इसलिए मनी का कार्ड आपका थोड़ा सा डाउन आया है, जबकि प्रोफेशन का कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। अपनी जगह बनाएंगे, रिलैक्स रहेंगे अपने बच्चों के साथ, हो सकता है आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व करें अपने बच्चों को, या ऑलरेडी अगर आपके बच्चे किसी बिजनेस में बिजनेस में हैं तो उसमें आप इन्वॉल्व हों उनके साथ। महिला को अगर आप अपनी पत्नी को या अपनी माता को या अपनी सिस्टर, जो भी आपकी एक महिला आपकी लेडी लक जो आपकी ज़िंदगी में है, उनको अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपके लिए कोई महिला बॉस आपके लिए इतनी ज़्यादा लकी होगी कि आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे, प्रमोशंस होने के बहुत ज़्यादा आसार है।
महिलाओं का कहीं ना कहीं योगदान रहेगा आपके इस प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप खुद महिला हैं तो चिंता मत कीजिए, आपका ये साल आप बहुत अच्छा काम करने वाली हैं। नई ऊंचाइयों को छुएंगी, नया आप प्रोफेशन अडॉप्ट करेंगी, नई बिजनेस में आप जा सकती हैं और उनके लिए उनमें भी अपनी जगह बनाएंगी, बहुत अच्छे से सफलताओं को छुएंगी, तो प्रोफेशन के लिए साल बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अब मैं बात कर सकती हूँ आपकी हेल्थ वाइज की, हेल्थ की वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ ऑल्सो। हेल्थ भी आपकी दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि अगर जो आप सोच रहे हैं कि मैं कल से जिम ज्वाइन कर लूँ या कल से मैं एक्सरसाइज कर लूँ या कल से अपने डाइट कंट्रोल कर लूँगा, तो वो आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं, करते नहीं हैं। ये पूरा साल आप भी सोचेंगे ही सोचेंगे, इसलिए अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो इन चीज़ों को सिर्फ सोचिए ही मत, इसको कीजिए भी। अपनी रेगुलर एक रूटीन बनाइए, उसके अंदर आप प्रॉपरली एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपरली आप अपना डाइट कंट्रोल कीजिए, प्रॉपरली आप अपना डाइट चार्ट बनाइए, किसी की भी सहायता ले सकते हैं किसी न्यूट्रिशंस की ताकि आपको बेटर अपनी हेल्थ को ध्यान रख सके। बहुत इमोशनल लेवल पे आपको हेल्थ का ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकली हेल्थ से ज़्यादा। इमोशनल लेवल पे अगर आप सशक्त होंगे या आप अपने आप को फील करते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ, अपना आप रिलैक्स फील करते हैं, तो डेफिनेटली आप फिजिकली भी फिट रहेंगे। ये अंक चार वालों की बहुत बड़ी खासियत होती है कि अगर वो दिमाग से रिलैक्स हैं तो आपकी उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स रहती है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन था फॉर अंक चारों वालों के लिए। तो अब आपको जल्दी से मैं रेमेडीज देती हूँ कि इस साल को और बेटर कैसे बना सकते हैं। ऑलमोस्ट आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए फ्रेंड्स। अंक चार उनका अंक होता है जिनका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या फिर 31 तारीख को आता है। तो रेमेडीज देख लेते हैं अंक चार वालों की। ये साल में रेमेडीज मैं देने वाली हूँ कि आप और बेटर क्या कर सकते हैं। 4 अंक वालों की रेमेडीज दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि थोड़ा सा डिबेट्स या लड़ाई झगड़े से दूर रहें, और कहीं ना कहीं बैक बाइटिंग आपको हो सकती है तो विश्वास बहुत ज़्यादा अच्छे से किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें पूरे साल में। दूसरी चीज़ ये है कि अपने मन पे थोड़ा कंट्रोल रखें और ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे कि आपका मन डिस्टर्ब हो या आपका दिमाग डिस्टर्ब हो या आप सोच विचार की जो आप डिसीजन ले सकते हैं वो आपका डिस्टर्ब हो जाए या आपको लगे कि मैं क्या करूँ, यानी असमंजस वाली स्थिति में पहुँचे। इसलिए अपने मन को कंट्रोल करें, अपने दिमाग को शांत रखें। उसके अलावा दोस्तों मैं कहने वाली हूँ आपको कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि खत्म होगी। नई शुरुआत तभी होती है जब कि कुछ चीज़ें खत्म होती है, तो कुछ चीज़ें सडनली आपकी ज़िंदगी से स्पीडली चली जाएंगी और उन चीज़ों के ऊपर आपको लगेगा कि कमांड नहीं रहेगा। वो आपकी बहुत क्लोज हो सकती है, आपके परिवार में भी कुछ हो सकता है, आपके प्रोफेशन में हो सकता है और आपकी जॉब में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है। कुछ चीज़ें सडनली खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए थे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आप किसी प्यार करते हैं या अपना किसी को अपनी बात कहना चाहते हैं, तो कोई भी हो, चाहे प्यार में हो चाहे कोई अपनी राय रखना चाहते हैं, तो उसे खुलकर रखिए, उसे बंद मत करके रखिए, अपनी बातों को क्लियर करिए लोगों के सामने। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और आपकी रिलेशनशिप भी सुधरेगी, अच्छी होगी। मैंने आपको बताया डिबेट से दूर रखें और प्लीज़ स्टार्टिंग अगर आपको लगे कि कुछ से लड़ाई झगड़ा होने वाला है तो उसे भी कंट्रोल रखें। कहीं ना कहीं लड़ाई की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, आपका टेंपर थोड़ा शांत रखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों ये मेरा वीडियो था अंक चार वालों के लिए। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, रिगार्डिंग वास्तु और टैरो कार्ड रीडिंग और न्यूमरोलॉजी। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे सवालों का जवाब दूँगी। उसके साथ साथ आप मुझे फॉलो भी कर ली, आपको मुझे फॉलो भी करना है यूट्यूब पे, इंस्टा पे और मेरे फेसबुक पे, ताकि आप मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ हैं उनसे अपडेट रहें। साथ साथ दोस्तों जो मैं आपको रेमेडीज़ बता रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि आपको आपका जीवन और बेटर बना सकते हैं आप, इसलिए मैं आपको रेगुलर रेमेडीज़ बताती हूँ। चार वालों के अंक की एक ही बहुत बड़ी रेमेडीज मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये है कि दीपक दान करें, यानी कि दिया जलाएं कहीं भी, घर में कम मंदिर में जला सकते हैं, बाहर वाले बाजार वाले मंदिर में जाके जला सकते हैं, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हनुमान चालीसा इज़ ए मस्ट फॉर यू, कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपको कंट्रोल करेगा, जो आपका टेंपर है उसको रिलैक्स करेगा। तो ये छोटी सी रेमेडी थी मेरी अंक चार वालों की। बाकी थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मी ऑलवेज, बाय।